तो मौसम है सुहाना, ब्लॉग अभी अच्छा है बनाना। चलिए आगे ब्लॉग शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, सबसे पहले तो दिल से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। सो गाइज, आज 2023 का फर्स्ट डे है और आज नया साल है, तो नया साल के शुभ अवसर पे हम लोग सोचे हैं कि कहीं घूमने चला जाए, कहीं पार्टी शार्टी मनाने के लिए जाया जाए। तो हम लोग विचारे हैं कि आज हम लोग जाने वाले हैं विदेश। विदेश किस देश जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये आप सबको बाद में बताएंगे। तो अभी हम लोग विदेश की यात्रा करने वाले हैं, टूर ऑफ फॉरेन कंट्री। तो आप लोग को विदेश की कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगा जहाँ मैं भी पहले नहीं गया हूँ, आज मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। तो देखते हैं वहाँ क्या होता है, कैसा सीन है वहाँ का। तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो हाँ मेरी जान, आप लोग बने। सब काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आप सबके पेशेंस को ख़त्म कर दूं कि हम लोग आए हैं अभी नेपाल कोसी बैरेज घूमने के लिए, नया साल का पिकनिक मनाने के लिए। तो अभी हम भट्टावाड़ी से बैरेज की तरफ चल रहे हैं, अभी सिटी पे बैठे हैं। फर्स्ट हम सिटी पे भी बैठे हैं और सिटी का आनंद ले रहे हैं। आप सब देख रहे हैं कि नेपाल जाने के लिए कितना लंबी चौड़ी ट्रैफिक लगी हुई है, और जैसे आप सब जो सामने देख रहे हैं ये इंडिया और नेपाल की बॉर्डर है जिसको बफर जोन कहा जाता है। बहुत सारी लंबी लाइन लगी हुई है, कतार में गाड़ी लगा हुआ है। और ये है पास गेट, यहाँ पे वीज़ा मिलता है, मतलब वनसार मिलता है गाड़ी को नेपाल में एंट्री करने के लिए। फाइनली गाइज, हम लोग नेपाल के कोसी बैरेज अभी पहुँच चुके हैं। तो यहाँ आगे इस साइड देख सकते हैं काफी संख्या में भीड़ लगी हुई है। क्या चीज है? तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे। अभी हम लोग जाने वाले इसके ऊपर चढ़ने वाले। क्या कहे तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे।
यो हनी सिंह है साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो कोसी नदी का यहाँ पे एक फाटक खुला हुआ है और यहाँ पानी का रफ्तार देखिए, कुछ और देखना होगा तो वो भी देख लीजिएगा। तो भैया भूख काफ़ी लग चुकी है और होटल यहाँ से काफ़ी दूर में है। जैसा कि आप सबको पहले बता चुके हो, हम तो ठहरे सख्त लौंडा, क्या करें, रास्ते में मिला एक बर्फ वाला, इसको भी चूस चूस के ख़त्म कर दिया। तो भैया घूमते घूमते काफ़ी भूख लग चुकी थी तो सोचे सबसे पहले पेट पूजा कर लेते हैं। तो हम लोग अभी आए हैं होटल होलीडे कोसी बैरेज के होटल में, यहाँ कुछ भोजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे घूम आगे मस्ती करेंगे, आप सबको मस्ती दिखाएंगे। तो और ये है मेरे कमीने दोस्त जो कि मेरे से पहले आगे कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे लिए कुर्सी छोड़ दिया है बीच में। क्या कीजिए, कुर्सी क्या हुआ यहाँ पे? ओ यार ऐसे मत, सो गाइस घोर बेइज्जती यार, बट कोई नहीं, आप सबके लिए सारा बेइज्जती सह लेंगे, कोई बात नहीं। के बीच अभी आ चुका है भेज चावल, हम लोग शुद्ध शाकाहारी। तो भैया सामने एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा है जिसपे भीड़ देख रहे हैं, तो काफ़ी संख्या में भीड़ है, लेकिन क्या करें यार, रुपया नहीं है, हम भी सोच रहे हैं जाने के लिए वहाँ। रुपया है लेकिन चला महंगा बहुत है, महंगा बहुत है यार। oh, no! तो इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि यहीं पे पिकनिक मना लेते हैं, यहीं थोड़ा मस्ती उस्ती कर लेते हैं, क्या जाएंगे उतना दूर वहाँ पे, क्या पता बीच रास्ते में कहीं नौ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या पता हो जाए। तो अभी हम लोग नहीं जाने वाले हैं, यहीं पे पिकनिक मना लेते हैं। ऐसा मत कीजिए भैया, डर लगता है, फीलिंग वेरी सैड गाइस। सोचे थे कुछ फनी ब्लॉग बना लेंगे लेकिन क्या करें नहीं हो पाया, कोई पेरेंट्स के साथ है, कोई टीचर के साथ है, क्या करें कहीं डायलॉग नहीं मार पाए, कोई फनी ब्लॉग आज नहीं बन पाया। सोचे आज देखते हैं आगे फनी बन पाता है कि नहीं बन पाता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। भैया आप सबको पीछे में कुछ चेंजिंग नज़र आ रहा होगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे दोस्त लोग चेंज हो गए हैं, पहले जो थे उनका गर्लफ्रेंड मिल गया तो वो सब चले गए छोड़ के, मेरे बारे में तो आपको पता ही है, अपुन टारा सख्त लौंडा। तो हम अभी टीम चेंज कर लिया है, ये भी सख्त लौंडे हैं, इनके भी गर्लफ्रेंड अभी तक नहीं मिले, तो हम लोग आ रहे हैं देखते हैं आगे क्या होता है। फ्रेंड है, हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही यार। तो भैया फुल पावर, अभी आगे चल रहे हैं, आगे देखते हैं, आगे सोच सुने हैं कि कुछ भव्य दृश्य देखने वाली चीज़ है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर करते हुए, और सबको हैप्पी न्यू ईयर दिशा है, आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। भी आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो। और यहाँ पे चल रहा है कुछ जिसको हम नहीं बोल सकते हैं। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। गाइस मेरे जस्ट नीचे बगल में आप पानी देख सकते हैं, कितना दूर तक पानी पानी जा रहा है, और सभी भाई लोग को देख सकते हैं, भाई बंधुओं उनके प्यारे बहनों, हैप्पी न्यू ईयर के शुभ अवसर पर आए हैं यहाँ पिकनिक मनाने के लिए। आप इधर से जहाँ तक नज़र आपकी जा रही होगी वहाँ तक प्यारे प्यारे बहनों और ये भी हैं, सारे अभी आए हैं हैप्पी न्यू ईयर के शुभ अवसर पर पार्टी मनाने के लिए। तो ये नेपाल का कोसी बैरेज है जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं, आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से पानी है, पानी है, और बीच में हम सब अभी खड़े हैं, और ये हिल भी रही है कि पेड़ भी लग रहा है। तो ज़्यादा देर इस पे रुकना ठीक नहीं होगा, अभी हम इससे आगे चलते हैं और जाते हैं भीड़ में, कुछ इंटेंस हो जाते हैं। इधर जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक खाली भीड़ ही भीड़ है, भीड़ ही भीड़ है, तो देख सकते हैं कितनों की जनसंख्या भी यहाँ पे है। केवल इस साइड चारों तरफ पड़ियाँ ही पड़ियाँ नजर आ रही है पहली बार।
Hey guys, जैसे कि आप सब देख रहे हैं मेरे दो दोस्त ने अभी दो बोतल बियर किया है और एक मेरा दोस्त इधर किधर गया, वो बियर के खोज में निकला है। हम लोगों ने तो खा पी लिया लेकिन वो ब्लॉग बनाने के चक्कर में खा पी नहीं सका था। और देखिए इसको कहीं बियर नहीं मिला है, बियर तो ढेर सारा है लेकिन इसको प्लेस नहीं मिला है कहीं पीने का, और उतना जगह उतना जगह मतलब उतना सुटेबल प्लेस भी नहीं है और भुजा भी नहीं मिल रहा है इसको। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसको भंडाबाड़ी में पिलाया जाएगा और हम लोग अभी सीधी रिक्शा पकड़ेंगे और सीधे भंडाबाड़ी के लिए रवाना हो जाएंगे। सो गाइस, हम सबका हैप्पी न्यू ईयर यानी कि हैप्पी न्यू ईयर पार्टी हो गया है, घूमते घूमते काफ़ी एनर्जी लॉस हो चुका है तो अब सोच रहे हैं कि चला जाए घर। तो आई होप कि आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक कर।